सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलबीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं जी। आज की वीडियो के लिए फिर से पहुंच चुके हैं सतगुरु डेयरी फार्म विलेज, जहां इसे शहर बोल सकते हैं, कस्बा है दोस्तों केसरी सिंहपुर, तहसील श्री कर्णपुर और डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर इस गांव को या इस कस्बे को लगता है जी। और आज की वीडियो में सामने जितनी भी गाय या भैंसे, टोटल 15-16 ये पशु हैं जो सेल के लिए अवेलेबल भाई सब के पास रहेंगी, सुभाष जी के डेयरी फार्म पर आज पहुंचे हुए हैं जी। इससे पहले भी एक दो वीडियोस आप लोगों ने अपने चैनल पर यहां से देखी हैं। पहले ओवरव्यू पूरे फार्म का देखिए, जो 15 गाय और भैंसे आप लोगों को पहले दिखाई वो तो सेल के लिए हैं। उसके अलावा मैं गाय आप लोगों को कुछ और भैंसे जो यहाँ पर, कहने का मतलब हर समय काफ़ी गिनती में 20-25 की गिनती में पशु सेल के लिए अवेलेबल रहते हैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। और सामने ये जो 3 गाय आप लोग देख रहे हो, इसके अलावा 6-7 गाय और अभी 71 हो रही हैं, आनी बाकी हैं जो यहाँ से सेल होकर बाहर जानी है। प्रतापगढ़ से भाई सब के पास कस्टमर आए हुए हैं, डिटेल बातचीत सुभाष जी के साथ करते हैं। ओवरव्यू फार्म का आप लोग देखिए, आगे की जानकारी, उनके काम की डिटेल, कैसा उनका काम है, कैसे कैसे पशु उनके पास सेल के लिए रहते हैं, वो डिटेल आगे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल कलूर भाई, कैसे हो जी? बढ़िया है जी, आप सुनो? बहुत अच्छे जी, और काम काज, घर परिवार सब बढ़िया है जी? बड़ी बहुत अच्छी बात है जी। सबसे पहले तो भाई साहब यहाँ का अपना प्रॉपर एड्रेस और अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सर जी मेरा नाम सुभाष बिश्नोई है और अपना जो एड्रेस है गांव केसरी सिंहपुर कस्बा है छोटा सा। हाँ जी। तहसील करणपुर है, जिला श्रीगंगानगर है। श्रीगंगानगर से कितना किराया जाता है जी? लगभग 20 से 22 किलोमीटर। 20-22 करणपुर और गंगानगर के बीच बिल्कुल सेंटर में। बिल्कुल सेंटर में है जी। हाँ जी। और पाकिस्तान बॉर्डर भी बिल्कुल करीब ही रह गया, यहाँ लगभग 4 से 5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर पर है जी। और आप दोनों भाइयों का ये साझेदारी, डेयरी फार्म सतगुरु डेयरी फार्म, इनके नाम ये फार्म रजिस्ट्रेशन है। हाँ जी, साझा काम है। बहुत अच्छी बात है जी। इससे पहले भी एक बार आपके पास आया, काफी पशु उस बार भी सेल के लिए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो दिखाए, तो आज दूसरी बार आपके पास आया हूँ, थोड़ा सा गैप बीच में पड़ गया, इसी वजह से बेसिक से स्टार्ट करूंगा। हाँ। जी एक दो बार आपको फोन भी किया, आपको भी टाइम नहीं होता? नहीं, हाँ ये तो है जी, थोड़ा समय की दिक्कत है। आप आते हो तो हमारे पास एनिमल तैयार नहीं होते, हम होते नहीं फील्ड में होते। सही है जी, आ जाते। हाँ जी, अब बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि जी पहले तो अपनी रिहायश, तो मेन रिहायश की बात की जाए तो वो तो गंगानगर में है ना जी, क्योंकि बाहर से जैसे भी कोई कस्टमर आता है तो उनके लिए वो ज्यादा आसान वाली बात है। हाँ जी। बिल्कुल मेरे हिसाब से शहर के बिल्कुल पड़ोस में ही अपना है जी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मात्र 2 किलोमीटर पे अपना घर आ जाता है। अच्छा, ऑन द रोड है। हाँ जी। गंगानगर से कर्णपुर रोड के बिल्कुल ऊपर, 6Z के अंदर। ओके जी। अब काम के बारे में जानकारी चाहूंगा जी, कितने के पशु हर समय अपने पास इधर रहते हैं जो सेल के लिए? अपने पास 10 से 15 भैंस होती है। अच्छा जी। और 8 से 10 गाय देसी के अंदर, साहिवाल और राठी के अंदर होती है। अच्छा जी। और क्रॉस में HF में 2-3 गाय या 5 गाय तक ही रखते हैं। अच्छा, बाकी वो क्रॉस वाली गाय अपन दिलवाते हैं जी। अच्छा जी, कहने का मतलब कस्टमर को ना खुश नहीं होने दिया जाएगा? नहीं, क्रॉस की गाय के आज भी अपने पास कस्टमर आए हुए हैं। अच्छा जी। इन क्रॉस की गाय दिलवाते हैं। बहुत अच्छा। जैसे जर्सी क्रॉस, HF क्रॉस, मिक्स ब्रीड जो भी है। हाँ जी। अपने पास साहिवाल में और भैंस में सेल के लिए अवेलेबल रहती है। अच्छा जी। और 2-4 गाय पर दूध के लिए रखते हैं, जो कोई तैयार दूध की लेने वाला आता है दे देते हैं, नहीं तो दिलवा देते हैं। ओके, साथ में दूध का भी काम मेरे हिसाब से। दूध तो सर यहाँ पर सिटी है, बिक जाता है, लूज में बिक जाता है सर। ओके जी। और जो पशु आप सेल करते हो जी, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ के लिए अपना ज्यादा जो माल आप सेल करते हो, कहाँ कहाँ जी? आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। हाँ जी, 20 साल से मैं धंधा कर रहा हूँ जी। हाँ जी। और ऑनलाइन गंगानगर में पहला मैं आदमी हूँ जिसने स्टार्ट किया था, अभी यूट्यूब के माध्यम से भी गाय भैंस बिकती है। ये तो है जी, आपका खुद का चैनल है। हाँ जी, नहीं चैनल में वैसे ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया, उसके बाद तो बहुत लग गए। हाँ जी। ऑल ऑफ इंडिया हमने पशु बेच चुके हैं जी। अच्छा जी। कोई भी स्टेट ऐसी नहीं बची, चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, हर जगह। सही है। महाराष्ट्र, MP, गुजरात, हर जगह अपने पशु जाते हैं। सही है जी, काफी स्टेटों के आपने ऐसे नाम लिए जैसे जिनके नाम इससे पहले मैंने वीडियो के जरिए नहीं सुने थे। अब तो क्या ना, कई बार ज्यादा एक दो कस्टमर, एक दो गाय जैसे बिहार का कोई मांग लेता है या झारखंड का, तो उनको कह देते हैं एक दो पे ट्रांसपोर्ट ज्यादा लगेगा। हाँ जी। 50-60 हजार पे 2 पे ट्रांसपोर्ट लग जाता है। अच्छा जी। तो 2 एनिमल पिकअप वगैरह में जाते हैं। हाँ जी। तो जो 8-9 एनिमल लेता है उसको ही ट्रांसपोर्ट में थोड़ा कम लगता है। अच्छा, बाकी पूरा ऑल ऑफ इंडिया कहाँ का कितना ट्रांसपोर्ट लगता है वो भी नॉलेज है, क्योंकि हर जगह हमने भेज दिया जी। बहुत अच्छी बात है जी। बिहार भी भेजे और छत्तीसगढ़, बड़े बड़े अच्छे अच्छे फार्म है जो आज चल रहे हैं, बड़े अच्छी तरीके से चल भी रहे। बहुत अच्छी बात। ऐसे नहीं आपका किसी को पशु दे दिया और वो फेल हो गया, ऐसा नहीं है जी। बाद में कहने का मतलब उसका पता ही नहीं। अब नए कस्टमर फोन आते हैं, किसको दिया तो हम बता देते हैं फार्म चल रहा देखे।
सही बात चल रहे हैं फार्म। ओके जी, और ऑनलाइन इतने साल से कर रहे हैं लगातार, एक रोज प्रतिदिन कस्टमर बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं वो घट रहे। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर बात आ गई जी, जो भैंसे या जो देसी ब्रीड की गाय या जो क्रॉस ब्रीड की गाय आपके पास सेल के लिए अवेलेबल रहती है, तो उनकी दूध की क्षमता कितनी वाली आपके घर पर एवरेज रहती है? सर जी, हमारे पास भैंस होती है वो 10 लीटर से लेके 17-18 लीटर तक आम होती है। हाँ जी, क्योंकि 20 या 20 से प्लस वाली तो रियर होती है, बहुत ही कम। सही बात है। हम ऐसे बड़ी बड़ी फेंक दें भी 20-22 वाली तुरंत हर समय नहीं रहती। हाँ, तो जो 20-22 किलो दूध देती है वो 8-10 दिन 20 दिन रुक के फिर दूध देती है। सही है। ये ज्यादातर भैंसे होती है 10 किलो से लेके 17-18 किलो तक जो तैयार रहती है, 10 से 15-16 तक तो आम ही होती है। ओके। उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं, एनी टाइम। ओके। लेकिन 20 किलो के आसपास की रियर होती है, कम होती है। और कभी कभी ब्रीड की गायों की अगर बात की जाए, ब्रीड देसी ब्रीड में 10 से 15-16 किलो तक जी जो नापने वाला है। हाँ जी। वो भी 20 की कोई कोई होती है जी। अच्छा जी। वो भी हर नहीं होती, जैसे भैंस कोई होती है ना। हाँ जी। ऐसे देसी ब्रीड में भी 20 किलो कोई होती है, क्योंकि भाई वीडियो देख रहे हैं बहुत से, भाई फोन भी कर रहा है 20 किलो वाली का क्या रेट है। हाँ, तो उसका लैक्टेशन क्या है, एज क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, इसको सब कुछ को देख के रेट होता है जी। अकेला दूध का नहीं होता, दूध तो कोई बिल्कुल बुड्ढी भैंस 18 किलो दे रही है और क्या 70-80 भी मिल जाए। हाँ, लेकिन छोटे सिंह की झोटी 1.5 लाख में मिलेगी जी। सही है जी। वो तो 15 वाली भी 1.5 से प्लस हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, वो दूध से नहीं होता है, लैक्टेशन, बॉडी एज, बॉडी करेक्टर सब कुछ देख के रेट डिसाइड होता है। ओके जी। इसके बाद में दाम की बात आ गई जी, जैसे आप बात कर ही रहे थे कि एक एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज वाली जैसे भैंसे हैं या एवरेज वाली नॉर्मल जो फील्ड में मिल जाती है वैसी गाय है, आम भैंस है जी जो 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में। अच्छा जी। जो 10 किलो बढ़िया साफ भैंस दूध है जो 60,000 की, उससे कम में मिलती है लेकिन वो उतनी बढ़िया नहीं होती, 50-55-45 में भी लिख देते हैं, 30 में भी, लेकिन वो तीन थनी है, कोई कम दूध की ऐसी होती है। हाँ जी। लेकिन जो 60 से वो बिल्कुल चारों टीट होके, और बाकी सबसे बड़ी बात मैं एक और बता देता हूँ, दूध की हम यहाँ कहते हैं यहाँ दूध के देखो। सही है जी। क्योंकि हम कई बेचने के लिए ऐसे नहीं कहते हैं घर तक की दूध की गारंटी, घर कोई भी गाय ले या भैंस ले उसकी गारंटी है थन बिल्कुल ओके होगी। ओके। कोई थन बंद नहीं होगा, अगर आप प्रेग्नेंट बता दी तो 100% ही प्रेग्नेंट होगी। सही है जी। धार पाव उसकी ओके मतलब ओके। ओके। लेकिन दूध यहाँ 15 दे रही, वो जाके उसको 12 दे रही है या 18 दे रही है, दूध की हम गारंटी नहीं ले सकते। सही बात है। दूध हम हर, ये भी भाई आए हैं और भी जो भी फोन आते हैं सारा दिन मुझे, मैं उनको कहता हूँ दूध यहाँ चेक करवा के। हाँ जी। चेक करके ले जाओ, अगला संतुष्ट रहता है, कम दे रही है क्यों दे रही है, ज्यादा दे रही है तो वो खुश रहता है। सही बात है। लेकिन ऑनलाइन कोई भाई मंगवाता है वो कहता है जाते ही भैंस उतरी गाड़ी में से बाल्टी लेके भाग के आते हैं। हाँ जी। बे 8 किलो बताया, 8 किलो भी देना चाहिए। हाँ, जबकि वो ट्रांसपोर्ट में से थोड़ी परेशान हो जाती है। हाँ, उतना दूध नहीं दे पाते, उसको 8-10 दिन का समय चाहिए, सेट होके पूरा फीडिंग पे आएगी। हाँ, फिर दूध देगी। ओके जी। अब चंद बातें जो कस्टमर आपके पास आए हैं। हाँ जी। तो ये भाई साहब आए जी, ये आए हैं प्रतापगढ़ से। हाँ जी। दोनों इन्होंने गाय ली है 9 अपने से। ओके जी। तो सर अपना नाम और एड्रेस बताएं। मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूं और जिला राजस्थान ही है, तहसील प्रतापगढ़ है। राजस्थान है सर। हाँ, वो स्टेट जो भी है। ओके जी। और शुभ नाम भी बता दीजिए पहले अपना। सर मेरा शुभ नाम है परशुराम। ओके जी। और मैं यहाँ आया हूँ तो हमने गायें भी ली है सर जी से, 2-3 दिन यहाँ रहकर संतुष्ट होकर। पहली बार आए? हाँ पहली बार आए। ओके। कितने दिन से इधर हो? 3 दिन हो गए। हाँ, रहने बहने की व्यवस्था पहले बहुत ही बढ़िया, मस्त है इनके। हाँ, आदमी भी मस्त है ना जी? आदमी बहुत मस्त है, जैसे अपने घर संधि आदमी है। हाँ जी। हाँ, अगर हमारे प्रतापगढ़ से कोई आना चाहे तो पहली बार तो यही हम खुद ही यही भेजेंगे। अच्छा जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ। जी, और अब गायों के बारे में जानना चाहूँ, कितनी गाय आपने लेकर जानी है? गाय सर अभी 9 गाय ली है हमने। अच्छा जी। हाँ, और मैं तो एक घर के लिए ली है मैंने। हाँ, मेरे भाई साहब ये व्यापारी का काम करते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। इन्हीं के साथ आए थे आप? हाँ, इन्हीं के साथ। ओके, जब चंद बातें इनके साथ करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे हो भाई? अच्छे। बढ़िया बढ़िया। अपना शुभ नाम भी बता दें। अरविंद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रतापगढ़। आप भी वहीं से हो? हाँ। एक ही गांव से? एमपी राजस्थान बॉर्डर गांव गढ़दौड़ा है। ओके जी। और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दीजिए फिर, कितने दिन से इधर हो, कैसी गाय, रहने बहने की व्यवस्था कैसा सिस्टम रहा? रहने बहने की व्यवस्था अच्छी है। हाँ जी। मैंने 8 गाय ली और एक इनको दिलाई है, मेरे भैया है। हाँ जी। इनको घर के दूध के लिए चाहिए। और जो आपके उधर के भाई देख रहे हैं, चाहे वो व्यापार वाले भाई हों या घर पर रखने के लिए किसान आदमी देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या बोलना चाहोगे भाई साहब के काम के बारे में? भाई साहब का काम बहुत अच्छा है, यहाँ पर आए आराम से संतुष्ट होकर गाय ले, कोई नो टेंशन, बेफिक्र होकर आ सकते हैं। हाँ, वो ठगी ठोरी वाला काम तो नहीं करते, बताया कुछ और निकलेगा कुछ? कोई ऐसा काम नहीं है। अच्छा जी। हाँ सर। ओके जी। सुभाष भाई फिर ऐसा करते हैं, एक एक करके अब सिलेक्टेड से पशु चलाकर। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा भाई साहब, ये गाय सभी हमने दिलवाई है इनको,
सही बात है जी, एक भी गाय अपने फार्म से नहीं दी। अच्छा जी, नंबर दो इनको यही बोला भी आसे मिल्किंग चेक करके लो हर गाय की, भी अपनी तसल्ली कीजिए पूरन तौर से जब पैसे लगाने हैं। कुछ जैसे थन की डिफेक्टेड है, एज वाली गाय, उनको सिलेक्ट कर रहे थे। मैंने इनको बोला भी मैं राय देता हूँ इनको सिलेक्शन में मत लो। हाँ जी, पहले दूसरे की बछड़ी लो। ओके, दूध चाहे किलो दो किलो कम दे दे, लेकिन उसकी लाइफ रहेगी। बाकी आपने इच्छा, इनके पैसे इन्होंने अपनी मर्जी से लेना है। मेरा 20 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने इनके साथ शेयर किया। वो भाई साहब ऐसा है ना कि काम करने वाले आदमी बहुत हैं जी, सही आदमी की पहचान ही तब होती है जब आदमी किसी कस्टमर को चुप करके खड़े रहे। ऐसा नहीं इनसे पूछ सकते हो, मैंने हर जगह एक थन बंद की गाय ले रहे थे, कहते सही हो जाएगा। मैं क्या, थन ऐसी चीज है हर रोज दूध निकालना पड़ता है, सही है, ये कहाँ से सही होगा। हाँ जी, पैसे दे के ले रहे हो, कौन सा फ्री में थोड़ी मिल रही, अच्छी गाय लो। ओके हाँ जी, और अब ये जो भाई साहब हैं इन्होंने अभी भैंसे खरीदनी है, ये आज ही आए हैं सर। अच्छा जी, अभी आए हैं, कोई एक दो घंटा हुआ है सर। अच्छा, आपका नाम भी बता दो जी। नाम कैलाश गुज्जर है जी, और जिला भिलवाड़ा है, राजस्थान असिंध है। ओके, और आप आज ही आए? आज ही आए। ओके, आपने भैंसे लेनी है? अभी भैंस लेने हैं ना। अच्छा जी, फिर तो मेरे हिसाब से तो ये बात रहेगी सुभाष जी, इनका एक्सपीरियंस तो जब इन्होंने भैंसे खरीद ली तब से आया। बस स्टैंड आके फोन किया, मैं इनको ले आया। अच्छा, और आके हम खाना पाना खा के। अच्छा, श्री गंगानगर से लेकर आए? हाँ, गंगानगर से। सही बात है, ये भी कितने समय में आपके पास पहुंच गए थे? हम शाम को 10:30 बजे बैठे थे। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं जैसे आपने फोन किया तो कितने टाइम हम आपको रिसीव करने पहुंच गए? 10 मिनट में आ गए। 10 मिनट में आ गए थे, ज्यादा वेट तो नहीं करनी पड़ी? नहीं नहीं, मैं नहा रहा था, मैंने चप्पल में जुराब ऐसे ही पहनी, बाके कार लेके चले गए। भाई परेशान ना हो इतनी दूर। सही बात है जी, बहुत अच्छा, क्योंकि किसी का वेट करना सबसे मुश्किल बात है। 10 मिनट भी 1 घंटे जैसे लगते हैं। सही बात, जैसे कोई दूसरे तो क्या कॉल भी नहीं उठा पाते हैं, एक दो बार एक्सचेंज नहीं करते हैं। अच्छा, ये भाई क्या, तो एक बार कॉल किया और 10 मिनट में तो लेने के लिए आ गए हैं। ओके जी, सुभाष जी फिर एक एक करके पशु चला कर दिखाते हैं। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफ़ी होगी भाई सब के काम के बारे में, उन्होंने प्रॉपर तौर से जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है जी। अब इससे आगे सिलेक्टेड भैंसे आप लोगों को चला कर दिखाएंगे। हाँ जी सुभाष जी, अब ये पहली भैंस जो अपने सामने है जी, इसकी डिटेल साथ में बताते हैं। ये तो सर दूसरी बार भी आई है। ओके जी, बिल्कुल ताजी भी आई हुई है। ओके, कितने रोज हो गए जी? अब इसको 4 दिन हो गए जी। 4 दिन की, बच्चा क्या है भाई साहब? बच्चा कटड़ी है जर पीछे, कटड़ी कटड़ी पीछे है जी। और दूध की क्षमता की बात की जाए तो भाई सब कितनी की दूध क्षमता? 15 किलो से 16 किलो तक दे देगी। 15-16 तक दे देगी। हाँ जी, और अभी निकालने वाली खीस की बात की जाए तो कोई भी भाई जैसे अभी खरीदता है तो सर 10 से 11, 5.5 किलो जी। हाँ जी, और दाम की बात करें तो भाई सब क्या दाम इसका रखा गया? मात्र 75,000 में दे देंगे। 75,000, 75,000 दाम जो रखा गया। सुभाष भाई मेरे दिमाग में बात आ जाएगी, इधर कैमरे के सामने एक बार आ जाइए। अच्छा जी, 75,000 जो दाम रखा गया आपका, इधर का जा 500 किलोमीटर नहीं, वो नहीं है, कई बार ना भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी, ये अपने फार्म का है। अच्छा, 75,000 रूपए, अगर 500-600 किलोमीटर तक भी ले तो 80,000 रूपए। 80,000, 5,000 में घर पर पहुंच हो जाएगी, कहने का मतलब 600 किलोमीटर तक कोई भी बाइक खरीदता है तो। वो क्या ना सर, हमारी जॉइंट में गाड़ियां जाती रहती है। हाँ जी, 5-6 में चली जाती है। ओके, अगला कहे भी अभी लेके तुरंत भेज दो तो नहीं जा सकती। हाँ, एक दो दिन में वेट करना जाती है, रोज जाती है, जो भाई ले रहे हैं देख रहे हैं उनको पता। कहने का मतलब वो सुविधा मिल जाएगी? हाँ सुविधा है सर, लेकिन कई बार क्या होता है ना, किसी भाई ने अभी भैंस खरीद ली। हाँ जी, वो कोई भी भाई मैं पैसे डाल दूं वो जल्दबाजी में हो जाता है, जल्दी जल्दी मेरी भैंस घर आए। सही है जी, बाकी भैंस बहुत अच्छी है जी। हाँ जी, ऑर्डर से आपको दिख ही रहा है। सही है, ऐसा कुछ नहीं भी दूध रुका हुआ है, नहीं। हाँ, रुका हुआ है, टाइम भी अभी वीडियो बनने वाला जो है ओहो लगभग 3 बजने वाले। हाँ जी हाँ जी, और दोस्तों क्वालिटी आप लोगों के सामने डिटेल पूर्ण तौर से भाई साहब ने बताई है। इससे आगे दूसरे नंबर पर ये एक और भैंस आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। क्वालिटी अच्छी तरह देखिए, पूरे डार्क कलर वाली सींग वगैरह काफी अच्छा है, और अडर की शेप भी आप लोग सामने देख सकते हो। सुभाष भाई डिटेल बताते जी। ये भी दूसरी बार ब्याई है जी। ओके जी, ताजी ब्याई हुई है, लगभग हो गए 4-5 दिन। अच्छा जी, बच्चा भाई साहब पहले तो बच्चा कटड़ा है जी इसके पीछे। ओके जी, और इसमें भी दूध अब लगभग 12 किलो है। हाँ जी, 16 से 17 किलो तक ये दूध दे देगी जी। अच्छा जी, 12 किलो अभी निकालने वाला नेट रेडी है जी। अपना सर टेमो टाइम की दवाई है, कोई भी बंदा 2 टाइम दूध सकता है। हर भैंस बंद बेटा, हर भैंस अडर क्वालिटी की बढ़िया होगी, टाइम टू टाइम मिल्किंग होगी। सही है जी, और एक बात ये भी है कि टाइम तो हम लोग छोड़ ही नहीं सकते ना, क्योंकि दूध अगर सेल का काम साथ में है। कई एक बार मैं टोक देता हूँ भाई जी, हाँ जी। कई वीडियो बनाते हैं, पश्चिमी खड़ी होती है, अकड़ी खड़ी होती है, अपनी वीडियो ऐसे कभी भी नहीं होती। अच्छा जी, आप आगे भी बना के गए हो, आगे भी विषय में आओगे। ओके, अपनी ऑर्डर की भैंस जो नॉर्मल सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे की चुवाई है। ओके, ऐसे नहीं भी वीडियो बनी हो तो ऐसे फंसी खड़ी हो, ऐसा कुछ भी नहीं। भाई साहब दाम क्या रखा है इसका?
80,000 की मात्र। 80,000 80,000 यहाँ के रेट है जी, यहाँ के रेट। मैं भी यही पूछने वाला था कि जो भी रेट बताया जाएगा आगे भी, यहाँ का रेट अगर 500 किलोमीटर लेने तो 5,000 प्लस करके मिलेंगे जी। ओके जी, सही बात है जी। इससे आगे तीसरे नंबर पर ये एक और भैंस आप लोगों के सामने है। मीडियम हाइट, मीडियम ही वजन इसका बोलूंगा जी। क्वालिटी आप लोगों के सामने है, लेकिन पतली चमड़ी वाली है और एज भी छोटी मेरे को देखने में लग रही है। सुभाष भाई डिटेल बताइए जी। दूसरे ब्यांत की ये जी, दूसरे ब्यांत में दिखने में छोटी एज की लग रही है। छोट है नहीं, दूसरे ब्यांत जी। ओके जी, चारों थनों का गैप आप देख सकते हैं। हाँ जी, अंडर क्वालिटी देख सकते हैं। हाँ जी, और इसके पीछे जी कटड़ा। ओके जी, 15 दिन की ब्याई हुई है। 15 दिन की ब्याई है। बाकी दोस्तों आप लोग सामने आंचल वगैरह इसके देख सकते हो, चारों के चारों अच्छे आंचल हैं जी। एक साख जरूर है छोटी सी, जो आंचल वो चलती नहीं, बिल्कुल जड़ में है, चलती नहीं जी। ओके जी, और भाई सब निकालने वाला दूध इसका कितना? अब 11 किलो जी, 11 लीटर भी है नेट। हाँ जी, कंटिन्यू 11 किलो, 2 टाइम 3 टाइम दूध सकता है। अच्छा जी, दाम क्या रखा गया? दाम मात्र 60,000 रुपए जी। मात्र 60,000 यहाँ का दाम रहेगा? यहाँ का दाम जो भी आप दाम बता रहे हो कुछ वो यहाँ फार्म के जी, मान सम्मान कुछ ना कुछ? हाँ, वो मान सम्मान तो पैसे कोई बात नहीं, 1,500 कोई बात नहीं। ओके जी, मान सम्मान दोस्तों किया जाएगा, लेकिन जो जोटी की अड्रेस आप लोगों के सामने है, एकदम फिटिंग वाला अड्र है, वो भी आप लोग सामने देख सकते हो। अड्र किस हर भैंस का जी, ये भी भैंस जैसे कल्ली भी आई है। हाँ जी, अब इसका भी देख लो सर, कल की भी आई है। ओके जी, अपना दूध इसमें कम्प्लीटली निकला हुआ है, ऐसे नहीं भी बच्चा चुगा के छोड़ दिया। सही है जी, इस जोटी ने पहली बार दूध दिया था लगभग 15 से 16 लीटर तक। ओके जी, इसको आपने पहले भी एक वीडियो में कवर किया था जब ये ब्याने वाली थी, मैंने कहा 1.5-2 महीने ब्याने वाली। सही है जी, कोई कहते भी प्रेग्नेंट थी कि नहीं, ऐसे ही मुझे सवाल हुए, कहना खाली मत भेज देना भाई। अच्छा जी, मैंने कहा अभी ब्याह ही जाएगी, आप आगे चेक करवा लो। हाँ जी, तो ये ब्याह ही है जी, 10 से 1 किलो खीस मानो अब इसमें। ओके, और इसने भी कटड़ी दी है ना, कटड़ी दी है। क्या रखा गया जी इसका? ये भी 75,000 की दे देंगे। 75 दाम रीजनेबल होंगे जी, क्वालिटी भी अच्छी होगी और दाम भी रीजनेबल होंगे। सही है, लेनी है तो 1-2 लाख वाली भी है, लेकिन आम जो कस्टमर है वो 60 से 1 लाख के बीच वाले भैंस लेने वाले ही होते हैं जी। ओके जी, इससे आगे एक और, इससे आगे चौथे नंबर पर ये एक और अच्छी क्वालिटी वाली जोटी आप लोगों के सामने है जी। सींग शिंगारा आप लोग देख सकते हो, कलर बहुत अच्छा है, पूंछ बहुत लंबी है, वो भी आप लोगों के सामने है। और सबसे खास बात, आप लोग इसके आंचल का साइज करीब से देखिए, कितना अच्छा इसके आंचल का साइज है, अडर की शेप बहुत अच्छी है। सुभाष भाई डिटेल बताइए जी। ये 2 ही दांत कटड़ी है जी। ओके जी, पहले ब्यांत की है। हाँ जी, 2 दांत है, पहला ब्यांत है। ओके, और अब इसमें 11 से 12 लीटर दूध कंटिन्यू है जी। हाँ जी, 11 12 लीटर दूध कंटिन्यू है। ओके, अडर क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्योर मुर्रा जी। हाँ जी, और अगले ब्यांत में बात करें तो 18 से 20 लीटर की जोटी है। अच्छा, थोड़ा चलाई अडर पुत्र घुमा, भैंसों की तरफ घुमा दे, बट अडर दिखाओ इसका। और भाई साहब क्या दाम क्या इसका रखा गया जी? इसके 85,000 रुपए, 85,000 85,000 दोस्तों भैंस का इसका जो टीका रखा गया। क्वालिटी आप लोगों के सामने है, डिटेल प्रॉपर भाई साहब ने बताई है। दूध निकालने में शांत है जी? बिल्कुल गारंटी होगी जी। ओके जी, इससे दूध निकालने की भी गारंटी। हाँ जी, दुआप समा की 100% 2 समय 1 समय वीडियो कॉल पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ आके देख सकते हैं, इससे आगे प्रकार के चार्ज नहीं है जी। एक और बैस। हाँ जी सुभाष जी, इससे आगे इस जोटी की ये भी पहली बार ब्याई है जी। ओके जी, 4 दांत है जी, 4 दांत पहले ब्यांत में। कितने रोज हो गए जी ब्याई को? इसको भी हो गए सर 8-9 दिन हो गए। 8-9 दिन बच्चा क्या भाई साहब? इसके भी कटड़ा है जी, कटड़ा ही इसके पीछे जी। और ये कितने दूध वाली है भाई साहब? अब सर 10 लीटर दे रही है। अच्छा जी, 10 लीटर अभी है नेट निकाल, 12-13 लीटर तक जाएगी पहले ब्यांत में। हाँ जी, और दाम भाई सब कितना का रखा? 75,000 रुपए, 75,000 75,000 दोस्तों दाम इसका रखा गया। आंचल का साइज आप लोग जैसे सामने देख ही रहे हो, बहुत अच्छा है जी, और क्वालिटी वाइज भी रंग रूप से शानदार है। पहले ब्यांत में ब्याई हुई है, दूध वगैरह निकलवाने में शांत है, बिल्कुल गारंटी। Okay. अब एक और क्वेश्चन रहेगा भाइयों का। हाँ जी सर, वो छोटी है उसके 80 क्यों, इसके बड़ी है तो 75 क्यों? अच्छा जी, ये ब्रीड से पता लगेगा जी। सही है जी, क्योंकि ये यही तो चीज फर्क आके पता लगता है। हाँ जी, इसकी हाइट ज्यादा है सर। हाँ जी, इसकी हाइट थोड़ी कम है। सही है जी, लेकिन अब आप सामने खड़े हो, आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है? मेरे को वही जो 80 वाली अच्छी, यही अच्छी लग रही है। हाँ जी, सही। पर कई भाइयों को क्वेश्चन रहेगा भी, इसके 80 क्यों, इसके 75 क्यों? सही है जी, क्योंकि हाइट को सिर्फ देखकर हम लोग दाम नहीं लगा सकते। अपने गंगानगर में इतने के जी, और कोई अच्छी स्टेट हो या अच्छे, या मुर्रा का जैसे काम हरियाणा में ज्यादा चल रहा है, ये जोटी 1 लाख प्लस की है जी। अच्छा जी, हम हर रोज वीडियो देखते हैं, उनके रेट सुनते हैं, रेट बताते हैं, बिकती इसीलिए बताते हैं, जैसे तो कोई नहीं बताता। हम ऐसे नहीं, अभी जो बिकेगी वही रेट बताता है, कोई भी है जो काम करता है उसकी कोशिश रहती है बिकनी चाहिए। सही है जी, हम बेचने का काम करते हैं, हमारी ये कोशिश है जी, बिकनी चाहिए, लेकिन रेट बिल्कुल जो इस कटड़ी की जो क्वालिटी है। हाँ जी, उससे बहुत फर्क है जी, बहुत।
दिखने में भी ये खूबसूरत है ना जी, बहुत अच्छी है सर। इसकी पुट्ठा देखो जी, हाँ जी, अडर क्वालिटी देखो, सही है जी। उसकी अडर क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो 13-14 तक जाएगी, ये भी जाएगी, लेकिन इसका भविष्य कुछ और है जी। वो अगले बार 1.25 लाख की बिके तो 1.5 लाख की, 2 लाख की बिकेगी जी। सही बात, ये फर्क, ये रेट में फर्क है। ओके जी, इससे आगे, इससे आगे दोस्तों कुछ गाय आप लोगों को चलाकर दिखाई जाएंगी। स्टार्टिंग करते हैं इस गाय से, क्वालिटी, रंग रूप, अडर की शेप अगर देखे तो बहुत अच्छी है जी। सुभाष भाई डिटेल बताते हैं। दूसरी बार भी आएगी सर जी। ओके जी, पहली बार 13 लीटर तक दूध दिया जिसने, दूसरे ब्यांत में कितना समय अभी पड़ा जी? अभी देखो से 10 दिन ले, 8 दिन ले, इतना समय लेगी जी। अच्छा जी, और जी। पहले ब्यांत में 13 लीटर, 13 लीटर तक, 14 भी दिया, 13 कंटिन्यू लगातार दिया। अच्छा, जो एक आधा किलो तो ज्यादा सेवा करें बढ़ भी जाता है। हाँ जी, 13 कंटिन्यू दिए। इस बार कितनी आशा है जी इसे? 15+ तो देगी जी। 15+, हाँ, जो ऑर्डर क्वालिटी है, जैसे इसको खिलाया पिलाया किया, हाँ जी, उससे 15 किलो इसको देना। अगर इसकी मैं ब्रीड की बात करूँ तो जी, क्या आप इसके बारे में बोल रहे हैं? ये सर साहिवाल में, लेकिन 100% नहीं कर सकते, थोड़ा राठी में क्रॉस है, जैसे वो लग रहा है ना नीचे है। हाँ नहीं, अब ऐसे नहीं, जो ब्रीड होगी उसको ब्रीड कहेंगे जी। ओके जी, हाँ जी। और दाम क्या रखा गया भाई साहब इसका? इसका जी 50,000 में दे देंगे। 50,000, 50,000 दोस्तों इसका दाम रखा गया। क्वालिटी बाकी आप लोगों के सामने है, आंचल का साइज वगैरह भी आप लोगों के सामने है। इससे आगे दूसरी गाय, इससे आगे दूसरी साहिवाल गाय आप लोगों के सामने है जी। सुभाष भाई, सबसे पहले तो इसकी ब्रीड के बारे में डिटेल बता दीजिए जी। ये प्योर साहिवाल नटराज बुल की बेटी है जी। अच्छा जी, ब्याने वाली है, पहली बार, पहले ब्यांत में अभी ब्याने वाली, अभी भी ले लेगी 10-15 दिन, 10-15 दिन। बाकी इसकी क्वालिटी का तो मेरे हिसाब से बोलने की जरूरत नहीं, रोक ले। देखने वाले भाइयों को खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी इसकी जबरदस्त क्वालिटी। ये नटराज बुल की बेटी है जी। ओके जी, और पहली बार में 15 किलो तक पहली बार ही देगी जी। पहले इसकी माँ तीसरे ब्यांत में है। अच्छा, और 22 लीटर पे चल रही है। अच्छा जी, हाँ जी। और भाई साहब दाम क्या रखा गया? ये 1 लाख रुपए की देंगे जी। 1 लाख फुल एंड फाइनल रहेगा, मान सम्मान आगे से घुमा कर ले भाई साहब। क्वालिटी दोस्तों आप लोगों के सामने नटराज बुल की भाई साहब बता रहे हैं, जैसे आप लोगों के सामने है। इसकी ब्रीड के बारे में कोई ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गल कंबल, हम्प साइज, फेस से क्वालिटी, बॉडी का जो स्ट्रक्चर इसका, वो आप लोगों के सामने है जी। 1 लाख रुपया दाम रखा गया। गल कंबल देखिए सर इसका, सही है, गल कंबल के तो कहने क्या भाई साहब। सुभाष जी, आगे जो इसके साथ वाली जो बाकी की गाय है वो? ये दोनों गाय सर आंध्र प्रदेश, मेरा मित्र है हैदराबाद। और ब्लैक है, और ये रेड वाली? नहीं नहीं, दो रेड वाली जी। अच्छा, दोनों रेड वाली, बीच वाली? हाँ जी। ओके, ये जी। दोनों के पीछे फीमेल बछड़ी है। हाँ जी, और आंध्र प्रदेश हैदराबाद जाएंगी जी। अच्छा जी, वहाँ के मेरे मित्र है। ओके, बात करते ना ऐसे जी, ऐसी गाय बेचते जी अपन, बहुत अच्छी बात। ये चीज की गारंटी अपने घर तक भी रहती है, जो भी भाई लेता है। सुभाष भाई, इसी वजह से तो फिर कस्टमर की कमी आपके पास नहीं रहती जी, जी। भगवान की दया, नया तो मैं हैंडल ही बहुत कम करता हूँ, पुराने इतने ज्यादा जी। बहुत अच्छी बात। और इस चीज की एक गारंटी और भी है जी, हम कहीं लोकल 500-600 किलोमीटर तक पशु देते हैं, दूर से तो वापिस भी नहीं आ सकता 1500 किलोमीटर तक। एक बात मैं सदा कहता हूँ, हमसे गाय भैंस ले ली, आपको अगर 1-2 दिन नहीं पसंद है, किराए के पैसे आपके लगेंगे आने जाने के, दूसरा पशु चेंज करवा सकते हो, आके देख के दूसरा लेके जा सकते। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है जी, क्योंकि हर एक आदमी ये बात नहीं बोलता। ऐसे मैं कहता हूँ, बाद में फोन ही ना उठाओ, जिसने दाना नहीं खाया, उसने पानी नहीं, ऐसा नहीं। अब 1-2 दिन आपको नहीं सेट लग रही, आप छोड़ जाओ, दूसरी ले जाओ, ऐसे नहीं पैसे नहीं वापिस होंगे। हाँ जी, दूसरा पशु ले जाओ, पशु और मिल जाएगा। हाँ, किराए के पैसे जैसे जाने में 5,000 लग गए, आने में 5,000 लग गए, वो 10,000 वो कट होंगे। सही है जी। सुभाष भाई, ये तो बात करें ओवरऑल डिटेल एक आज वाले अपने पशुओं की होगी, और चंद बातें जो आप देखने वाले भाइयों के साथ करना चाहो जी। सर जी, बात तो यही कहूँगा भी कहीं से भी पशु लें, अपना देख के लें, 2 टाइम दूध ले, मेरे से भी लें, चेक करके लें, कई बार रास्ते में कोई दिक्कत हो सकती है जी। सही है जी, होती नहीं है, फिर भी आप कहते हैं लंबा चलना है, तो जितना व्यवहार अपना अच्छा होगा या पशु अच्छा जाएगा, रिजल्ट अच्छे देगा, तो ही दोबारा से कस्टमर आएगा। सही है, ऐसे नहीं आएगा, वो कस्टमर आ रहे हैं, रोज माल जा रहा है तो कोई क्वालिटी पे जा रहा है जी। कई भाई कह देते हैं लब वो 50 की दे रहा है, वो 60, मैं कहता हूँ पहले उनसे ले लो फिर हमसे ले लेना। सही है, पहले सभी जगह से तसल्ली कीजिए, तसल्ली कर लो, बाद में लास्ट में आ जाना, हम पहले नहीं बुलाते किसी, हम लास्ट में आ जाना जी। ओके जी, ये गाय जो बीच में ब्लैक वाली है, ये इसके थोड़ा पैर पे लग गई थी जी, इसलिए आपको पाँव के ऊपर है, इसीलिए सामने देख सकते। हाँ, जेड ब्लैक है जी। ओके जी, इसको है तो थोड़ी सी क्रॉस में, हाँ जी, मिक्स ब्रीड में समझ सकते हो। हाँ जी, सही है जी, पर है फुल जेड ब्लैक जी। ओके जी, हाँ जी। और सेल के लिए है? हाँ, जी? है जी। क्या डिटेल है जी इसकी? ये दूसरी बार ब्याई है जी, बछड़ी पीछे है, दूध 16-17 किलो दे देगी, रेट जायज ही है 50,000 रुपए, 50,000 में दे, ज्यादा नहीं, फुल जेड ब्लैक है, ढूंढने से भी सफेद बाल नहीं मिल सकता इसमें कहीं। सही है जी, कभी ढूंढने से भी किसी भाई की इच्छा होती है, कलर ही नहीं मिलता जी। सही है, पर आपका कहना थोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, बड़ी बात नहीं होती, ये नॉर्मल सी बात है जी। चलो 2-3 गाय जो उन्होंने सेल किए वो दिखा देते हैं। हाँ जी, चलो।
ये गाय है जी जो भाई साहब प्रतापगढ़ से आए हैं, हाँ जी। इन्होंने लिए जी, एक तो पहले ब्यांत की दो दांत बछड़ी है जी, ओके जी, पीछे बछड़ा है, ओके। ऐसी सभी गाय लिए हर रेट के अंदर इन्होंने, अच्छा। इनका इन्होंने 20-25 हजार से लेके 60 हजार रुपए तक की गाय ली है, अच्छा जी। हाँ, और एक ये लाल वाली गाय ली है जी, इसके नीचे भी 15 किलो दूध है, हाँ जी। और ताजी ब्याई 20 दिन के पीछे फीमेल काफ है जी, ओके जी। एक ये ब्लैक वाली ली है जी, इसके पीछे फीमेल काफ है, 12-13 लीटर दूध है, हाँ जी। ऐसी गाय को एवरेज प्राइस में ले तो अलग अलग जैसे 35-40-45 इस रेट में भी, कहने का मतलब कस्टमर की चॉइस पर डिपेंड, अलग अलग है जी, जैसी गाय वैसे रेट है, ओके। भी जैसे ऐसी कोई गाय लेना चाहे भी हमें बजट में चाहिए भी 30-35-40 की, तो ऐसी गाय मिल जाती है, ओके जी। इसके आगे ये अपने पास खुद की गाय है जी, ये सेल के लिए भी अवेलेबल है, ओके जी। इसके पीछे बछड़ी है, दूसरी बार ब्याई है, दूसरे ब्याह, हाइट आप देख सकते हैं, हाइट बहुत ऊंची है जी, क्रॉस ब्रीड के अंदर मिक्स ब्रीड भी कह सकते हैं इसको। कितने रोज हो गए भाई बे को? इसको हो गए सर 5-6 दिन, 5-6 दिन की ब्याई, बछड़ी पीछे है, हाँ जी। और दूध की क्षमता क्या रहेगी? दूध दे देगी 35 किलो तक जी, 35 लीटर तक, हाँ जी। और दाम क्या रखा गया जी? अब सर इसमें 25-26 लीटर तो तैयार है, इन्होंने देखा भी है, अच्छा जी, 25-26 लीटर तैयार है, 35 तक चली जाएगी, 75 हजार रुपए के देने, 75,000, फैट परसेंट भी 500 ऊपर रहेगा जिसको, सही है, क्रॉस ब्रीड में अच्छी फैट आएगी, एक गर्मी गुर्मी भी नहीं बनाएगी किसी, आपके राजस्थान का थोड़ा ये रहता है कि फैट अच्छी इधर वाले पशु नहीं, सर गाय बहुत अच्छी है, फैट ये क्या ना टेम्परेचर है, जैसे अब यहाँ पूरी ठंड पड़ रही है, भाई कहते हैं मर्द ठंडी नहीं पड़ती इतनी, अच्छा, और गर्मी में 50+ चले जाता है, तो सब कुछ सहन करती है, सही है, इसीलिए दूध देती है, ओके जी। और ऐसी कुछ खास फैसिलिटी नहीं मिलती, अब भी बाहर खड़ी रहती है, कुछ नहीं होता, अच्छा जी। सुभाष भाई, ये तो अपने काम और अपनी आज वाली गाय भैंसों की ओवरऑल डिटेल होगी, अंत में यहाँ का अपना प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर एक बार फिर से बता, गांव केसरी सिंह, जिला श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान, मोबाइल नंबर 98294903355, और एक भाई साहब का भी है 95495888151, ओके जी, धन्यवाद भाई साहब, दोनों नंबर व्हाट्सएप पे और चालू है, कभी भी डे टू नाइट कभी फोन कर सकते, धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा, फिर भी कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहेंगे जी, कोई बोलने में और क्यों, इंसान इंसान से गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी तरफ से कोशिश पूरी रहती है, फिर भी किसी का मन दुखाओ तो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, ओके जी, धन्यवाद।